प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड हैंड सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा हम यूज कर रहे हैं. अब प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. नंबर वन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल इंटरव्यू. मैं आपसे एक एक करके आपसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल इंटरव्यू. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा बाय हैविंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट एंड कंडक्ट्स ऑन द स्पॉट इंक्वायरी. घर पे आते थे पहले लोग कि कितने लोग हैं घर में, कितने लोग कमाने वाले हैं, किसकी क्या क्या एज है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमसे लेके जाते थे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स. पता है कि नहीं पता आपको, या आपके सामने कभी नहीं आए? एक्चुअली लास्ट कलेक्शन ऑफ डेटा 2010 में हुआ था, तो आई एम नॉट टू श्योर कि आपको पता भी हो. बट पता है कि गवर्नमेंट जब सेंसस के लिए डेटा कलेक्ट होता है तो ऐसे घर घर जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, पता है कि नहीं पता है? पता है सर. यस सर. वही है, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और इन्वेस्टिगेशन. द इन्वेस्टिगेटर गोज टू द फील्ड पर्सनली, कॉन्टैक्ट द रिस्पॉन्डेंट्स एंड कन्विंस देम इन गिविंग इंफॉर्मेशन अंडर स्टडी. The investigator or the interviewer has the opportunity of explaining the study and answering any query of the respondents. The investigator or the interviewer has the opportunity of explaining the study and answering any query of the respondents. The interviewer can request the respondent to expand on answers. Ab kyunki direct personal interview chal raha hai, मैंने आपसे पूछा, मैं गया किसके पास जाऊं, अब मैं गया वेदांश के पास. मैंने कहा वेदांश कौन सा स्पोर्ट पसंद करते हो? क्रिकेट. क्रिकेट लेदर बॉल से खेलते हो या टेनिस बॉल से? नहीं सर, टेनिस से. टेनिस से खेलते हो? किस किस लेवल तक खेला है आपने? स्कूल टीम में हो आप? सर अभी तो नहीं. ठीक है. पॉइंट, अगर मैं सिर्फ फॉर्म भरवा रहा था तो उसमें क्या होता, कौन सा स्पोर्ट पसंद करते हो, स्पोर्ट्स के नाम दे रखे होते. बट क्या ऐसे में अगर अगर आप बोलते हैं फुटबॉल, तो मैं पूछ सकता हूँ अच्छा आप 5-on-5 पसंद करते हो या 11-on-11? बट मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू जब चल रहा होता है, यू कैन एक्सपैंड द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. यस सर. तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज होती है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की. द इंटरव्यूअर कैन रिक्वेस्ट to request the respondent to elaborate, to expand on answers that are particularly important. The visual reactions of the respondents can provide supplementary information. मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो मुझे आपके पता चल जाएगा कि interested हो या disinterested हो, अगर face to face है. Yes or no? Yes sir. यही अगर मैं आपको Google form के through कोई भरवाऊंगा तो आप बेमन कुछ भी भर सकते हो कि मतलब टीवी चल रहा है, बातें हो रही हैं, उस पे भी चल खट 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 भर दिया. कितने फॉर्म्स तो हम ऐसे ही भर देते हैं आंख बंद करके. यस नॉर्मल है. तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में ये होता है कि द विजुअल रिएक्शंस ऑफ द रेस्पोंडेंट्स कैन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन. पता चल जाता है कि वो इंजॉय कर रहा है कि ये चीज की नहीं, इंटरेस्टेड है भी कि नहीं. एक होता है कि चलो बस भरने के लिए भर दिया, एक कि नहीं रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वेंचर. तो वो विजुअल रिएक्शन से पता चल सकता है. जब गूगल फॉर्म भरा तो किसने एक्साइटमेंट में भरा और किसने बेमन भरा, पता चल सकता है क्या? नो सर. लेकिन जब आप पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली पता चल सकता है कि इसको मतलब इंटरेस्ट है इस चीज में, इसको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है. बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो चीज. बट अगेन डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू तो सबसे सबसे ज्यादा कॉस्टली मेथड है कलेक्शन ऑफ डेटा को. सूटेबिलिटी ऑफ, चलो एग्जांपल भी सुन लेते हैं इनका. एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विशेस टू कंडक्ट अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी रिगार्डिंग बेथिंग सोप. कह रहे नया साबुन लॉन्च करना है, कौन सा सोप लॉन्च करें, यूज बाय पीपल इन फॉर दिल्ली, पीपल ऑफ दिल्ली. For this, HUL will select some investigators
who will approach the people of Delhi and collect the necessary data. वो कह रहे कि अब हमें नया soap launch करना है एक particular territory में. दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, दिल्ली NCR में, तो इनके लिए हमने कोई नया स्पेशल सोप लॉन्च करा है जिससे ठंडी ठंडी फीलिंग आएगी. तो आप जाके पहले डेटा कलेक्ट करके आओ कि वो इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, कि अगर उनको ठंडा ठंडा कूल कूल हो तो. बट वो कह रहे कि प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सर्वे करा जाएगा. तो अगर इन्वेस्टिगेटर्स एक एक करके सबसे सर्वे लेंगे, हर घर तो जा नहीं सकते, बट वो एक सैंपल होता है कि ठीक है मार्केट प्लेस चलेगा, ये चलेगा, वहां पे बैठ बैठ से आपसे फीडबैक फॉर्म भरवाया, सर्वे लिया आपका, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. इट इज नेसेसरी दैट इन सच केसेस द इन्वेस्टिगेटर हैज अ कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ही इज वेरी पोलाइट एंड कर्टियस. ही मस्ट बी स्किलफुल, टैक्टफुल, एक्यूरेट, एमेबल एंड न्यूट्रल. प्यार से बात करनी है बेटा, वरना तो वो आपको फाड़ के आपके मुंह पे फेंक देंगे सर्वे और दो चार चीजें और सुना देंगे अगर आपने प्यार से बात नहीं करी तरीके से. सर्वे भरवाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, किसके पास टाइम है. हम भी तो कितनी बार होता ना कि मतलब बस ऐसे हाथ कर करके आगे भाग जाते हैं, कोई हमसे फॉर्म भरवाएगा, हम क्या आराम से बैठ के फॉर्म भरेंगे रास्ते में. नो सर. तो बहुत बहुत मुश्किल होता है, बट यस देर आर पीपल हु डू इट. सूटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड, कह रहे ये तो सबसे मुश्किल मेथड है, ये सूटेबल कहाँ कहाँ है. When detailed information has to be collected, तो government agencies को जब data चाहिए उनको तो बिल्कुल accurate चाहिए, वो risk नहीं ले सकते और उनके पास पैसा भी बहुत है, उनको क्या tension cost की, तो उनके लिए suitable है. When area of investigation is limited, तो yes, अगर मुझे अपनी class में ही survey करना है तो मैं आपका एक एक करके personal interview ले सकता हूँ, yes or no? Yes sir. अब अगर मुझे पूरी colony का करना है तो क्या मैं उतना detailed interview कर पाऊंगा? Oh, sir. When the area of investigation is limited, it is easier to have a direct personal interview. When the nature of inquiry is confidential, वो data आप नहीं चाहोगे कि ऐसे publicly किसी के सामने भी कुछ भी करे, confidential information है, जैसे medical fields में होती है patient और doctor के बीच में, तो वो one to one ही discuss करना चाहेंगे, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. The nature of inquiry is confidential. Direct personal interview is suitable. When maximum degree of accuracy is needed, direct personal interview is recommended. When importance is given to originality, कि भैया data original होना चाहिए, खुद जाके collect करके आओ, किसी और का collected data नहीं चलेगा, तो फिर direct personal interview ही चलेगा. This method gives satisfactory results if the scope of inquiry is narrow, an investigator is fully dependable and unbiased. So, फिर ये आपको perfect results देगा. तो suitability, merits, repetition होंगे, originality, reliable and accurate. फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो पॉइंट था ना कि क्वेश्चन अपने हिसाब से चेंज करे जा सकते हैं, जब आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में चाहिए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में. यस सर, क्वेश्चन चेंज कर सकते हो. तो जब जर्नलिस्ट आते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है, तो दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक एज द इन्वेस्टिगेटर कैन वेरी द नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड सीक डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सिचुएशन. Uniformity, it provides uniformity in collection of information. अब direct personal interview है तो uniform, आप data collect कर रहे हो ना, आपको आपको अपनी requirement पता है? Yes sir. तो आप अपना data अपने हिसाब से collect करोगे, तो सबसे same set of questions पूछोगे जो आपको information चाहिए. तो it provides uniformity in collection of information. Same type की information नहीं आएगी, क्योंकि जो आपको चाहिए आप वही पूछोगे. मेरे को खोलनी है स्पोर्ट्स एकेडमी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अच्छा आपके 10th में मार्क्स कितने हैं, मुझे उससे कोई लेना देना है? नो सर. नो सर, मतलब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना, मेरे लिए वो किसी किसी भी काम की नहीं है. आपको पेंटिंग में शौक है? नो सर, इंफॉर्मेशन का फायदा ही नहीं है मेरे लिए किसी काम की. मेरा क्या मतलब भाई साहब, क्वेश्चन लिमिटेड पूछोगे ना तो दूसरा बंदा फिर भी आंसर दे देगा खुशी खुशी. आप अन्य से वो क्या मतलब, आप स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना चाहते हो या मतलब
रिश्ता ढूंढ रहे हो मेरे लिए, आप मतलब पूरी डिटेल में चले जा रहे हो कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, खाने में क्या पसंद, अरे भाई साहब स्पोर्ट्स में क्या पसंद है, सिर्फ ये पूछो। तो अगर मैं कोई पर्पस के लिए डेटा ले रहा हूँ तो फिर सिर्फ वही चीजें पूछूंगा तो मेरा डेटा यूनिफॉर्म होगा। अदर इंफॉर्मेशन, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन मे ऑल्सो बी कलेक्टेड अलॉन्ग विद रेगुलर इंफॉर्मेशन विच मे प्रूव टू बी हेल्पफुल। अब मैं स्पोर्ट्स अकेडमी हूँ, ठीक है, मैंने आपसे पूछा स्पोर्ट्स कौन से पसंद है क्या है, फिर मुझे अच्छा आपके फादर की एवरेज इनकम कितनी है, तो मेरे लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस सर, फिर फीस आप डिसाइड कर सकते हैं ना। फीस क्या, मैं फैसिलिटीज उस हिसाब से देखूंगा ना कि मतलब अगर मुझे चार्ज करने हैं 2000 पर मंथ और चार्ज करने हैं 10,000 पर मंथ तो मैं फिर इंटरनेशनल फैसिलिटीज दे पाऊंगा ना, और मैं लगा दूं इंटरनेशनल टॉप क्लास ओलंपिक बेस्ड फैसिलिटीज और यहाँ पे स्पेंडिंग कैपेसिटी ना हो तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, मैं कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो अदर इंफॉर्मेशन, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स बट डेफिनेटली इट वॉज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कैन बी मेड ऑन दिस वेंचर, यस और नो? यस सर, यस सर। मतलब ये है कि कोई और इंफॉर्मेशन भी कभी कभी कलेक्ट करी जा सकती है अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हो तो। इकोनॉमिकल, हाँ बस मगर ये कैसे इकोनॉमिकल, ये तो सबसे कॉस्टली है। इट इज इकोनॉमिकल ओनली व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। अब जैसे मुझे अपने स्टूडेंट्स का ही डेटा कलेक्ट करना था तो सबसे आसान तरीका तो मेरे लिए यही है ना कि 1-to-1 इंफॉर्मेशन ले लूं, यस और नो? इसमें क्या मुझे कोई सर्वे करने के मतलब इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर हायर करने की जरूरत है क्या? नो सर। So when the date, investigation case of field, the area of investigation, if it is limited, only in that case, direct personal interview is economical, suitable for all types of questions. Correct. कुछ भी question हो, personal interview तो best है. This method allows use of all questions. Open-ended questions can also be used, and any ambiguity in a question can be clarified by the investigator. तो कह रहे कोई भी क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब पूछना क्या चाहते हो तो वहां पे पूछ सकते हैं, अच्छा इसका क्या किस सेंस में आप पूछ रहे हो, क्या है, तो दैट क्लैरिटी कैन बी गिवन। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डीमेरिट्स, डेफिनेटली नो, नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरियाज। तो अगर एरियाज वाइड है तो दिस इज नॉट सूटेबल, बट गवर्नमेंट फिर भी कर सकती है क्योंकि उनको पैसों की कोई टेंशन नहीं है। प्राइवेट एंटिटीज, अरे इतना पैसा लग जाएगा कि वो रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इट इज नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरियाज बिकॉज मेनी रिस्पोंडेंट्स आर टू बी कॉन्टैक्ट। जब वाइड एरिया है, बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स को कॉन्टैक्ट करना है, देन इट इज नॉट सूटेबल। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। This method is expensive and time-consuming, particularly when the field of investigation is large. It is economical when the field of investigation is small. Personal prejudice. अब आप जब personal interview ले रहे हो तो किसी से अगर आपको मतलब कोई है आपको पसंद, ठीक है ना, तो आप उसके फेवर में वो इंटरव्यू ले सकते हो, यस और नो? मतलब इन द सेंस कि यू कैन बी बायस टुवर्ड्स अ पर्सन। कोई आप फ्रेंड्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स का इंटरव्यू ले रहे हो तो वो एक अलग तरीके से होगा, और जिनको आप नहीं जानते वो एक अलग तरीके से, और जिससे आपकी लड़ाई है उससे बिल्कुल अलग तरीके से हो सकता है, यस और नो? यस सर। किसी को आप पसंद ही नहीं करते तो क्या आप उससे खुशी खुशी इंटरव्यू ले सकते हो? नो सर। No, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स थी कि हमने पढ़ी थी ना कि पोलाइट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कहाँ पढ़ा था सर? वो नीचे ही था। It must be polite, courteous, skillful, tactful, accurate, amiable, neutral. किसी से खुंदक है आपको
तो पोलाइट हो पाओगे? नो सर. न्यूट्रल हो पाओगे? नो सर. तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में पर्सनल प्रेजुडिस पॉसिबल हो सकती है. हो सकता है कि आप उसका फॉर्म ही फाड़ के फेंक दो. यस और नो? यस सर. यस सर. बिल्कुल पॉसिबल है. पर्सनल प्रेजुडिस, द बायस और प्रेजुडिस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स कैन अफेक्ट. मैं अब कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल एक लेन है, वहां पे आपके ना मतलब फ्रेंड्स रहते हैं, तो वहां पे तो आपने हर एक घर में जाके आराम आराम से तसल्ली से सर्वे लिया. अब एक लेन है जहां पे आप कुछ रहते हैं जो लोग आपको पसंद ही नहीं है, आप वहां जाना पसंद करोगे? नो सर. हो सकता है कि आप वो पूरा एरिया ही निग्लेक्ट कर दो. यस और नो? यस सर. तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज्यादा ऐसा होता है, प्रेजुडिस होती है जब वो काम कराते हैं, कि जहां पे जो रूलिंग पार्टी का बंदा है तो वो अपने एरिया में तो बहुत अच्छे से काम करा देता है, लेकिन कहीं और जहां पे वो कहता है इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया था तो मैं इनका काम नहीं कराऊंगा, ऐसा सुनने में आता है? यस सर. That is called personal prejudice. He was prejudiced towards the people who voted for him or the locals. Prejudiced. He is biased towards them. He is not neutral. So direct personal interview में personal bias possible है. Neutral होना मुश्किल होता है. There is a possibility of influencing respondents. ये भरते, वो भरते, ये लिखते. They might influence you. Trained personnel चाहिए हमें. The entire success of this method depends on the investigator. So the interviewers must be thoroughly trained and unbiased. Otherwise, they may not be able to collect the information. So direct personnel investigation, investigator collects the data by having direct contact with the informant and conducts on the spot inquiry. क्या advantages है? ओरिजिनल डेटा मिलेगा आपको, रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है, यूनिफॉर्मिटी होगी, अदर इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो मिल जाएगी. इकोनॉमिकल ओनली, ये बहुत जरूरी है. लिमिटेड एरिया जब होगा सिर्फ और सिर्फ तब इकोनॉमिकल है. सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. डीमेरिट्स, नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरियाज, एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, पर्सनल प्रेजुडिस इज पॉसिबल, ट्रेन्ड पर्सनल are required. What precautions must be taken for direct personal investigation? Investigator should be well versed with the statistical techniques and should have good temperament. So wo jo ye kahaniyan thi ab ye sare aa jayenge isme. He must be polite, courteous, skillful, tactful, accurate, amiable, neutral. So precautions mein the investigator must be well versed, must have a good temperament. जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए कि दिमाग खराब कर दिया, भरना फॉर्म नहीं भरना, भाग यहाँ से, तो ऐसे नहीं हो पाएंगे सर्वे. Investigator should be familiar with the culture, tradition and the language of the concerned area. Investigator should ask straight, simple, unambiguous questions from informants. No personal bias should be used by the investigator. One time investment होगी, ढंग से methods पढ़ेंगे ना बेटा, कहाँ कहाँ काम आएंगे आप अभी नहीं सोच सकते. तो different methods of collection of data, आप बहुत बारी data collect करते हो तो आपको हर एक data के ना advantages disadvantages पता होंगे, तो आपको ये पता होगा कि अच्छा ये वाला method अगर use करना है तो ये सारे precautions लेंगे तो ही हमारा data accurate होगा. बहुत काम की चीज है ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. आए दिन आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे, किस किस मेथड के, वो जरूरी है पता.